तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं बात करने वाला हूँ एमबीए के प्रोविजनल एडमिशन के ऊपर एंड मैनेजमेंट सीट्स के ऊपर। साथ ही में गाइज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको ये पता चलेगा कि कौन से कॉलेज में कितनी जो मैनेजमेंट सीट्स है वो अवेलेबल है। इसके अलावा रिजल्ट्स के ऊपर भी हम इस वीडियो में जो है वो बात करेंगे। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सबसे पहले तो गाइज आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो प्रोविजनल एडमिशन प्रोसेस है ये होती क्या है एंड इसमें एक्चुअल में जो है वो होता क्या है, तो वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। बट उसके पहले गाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं। तो गाइज अगर आपको जानना होगा कि कौन से कॉलेज में मैनेजमेंट सीट्स अवेलेबल है, कहां पे नहीं है, तो गाइज इस डॉक्यूमेंट से आप जो है वो जान सकते हो। ये है गाइज सभी कॉलेज का सीट मैट्रिक्स, जिसमें गाइज हमें ये पता चलता है कि कौन से कॉलेज में कितनी जो सीट्स है वो अवेलेबल है एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी यहां पे जो है वो दिया होता है। तो यहाँ पे गाइज एक ऑप्शन होता है, जैसे ये कॉलेज है तो इस कॉलेज की नंबर ऑफ सीट्स है 180 सीट्स। अब इन 180 सीट्स का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है एंड यहाँ पे गाइज हमें देखने को मिलता है इंस्टीट्यूट सीट्स। ठीक है, इंस्टीट्यूट सीट्स मतलब मैनेजमेंट सीट्स। ठीक है, जहाँ पे आप एक्स्ट्रा पैसे देके या फिर वहाँ पे अलग अलग चीज़ें होती है, हर कॉलेज का डिफरेंट कुछ रहता है सिनेरियो फॉर फिलिंग दिस सीट्स। उसके बेसिस पे आप यहाँ पे जो है वो एडमिशन ले सकते हो, जिसमें ये भी होता है गाइज कि कम परसेंटाइल में भी यहाँ पे आपको जो एडमिशन है वो मिल सकता है इस सीट्स के वजह से। ठीक है, जो भी सैंक्शन इंटेक होता है गाइज उसमें से 20% ऑफ जो सीट्स है वो मैनेजमेंट सीट्स के थ्रू जो है वो फिल की जाती है, जो कि इंस्टीट्यूट सीट्स भी बोला जाता है। अब ये सीट जो है वो सभी कॉलेजेस में जो है वो अवेलेबल नहीं होती है। अगर आप JBIMS देखोगे, सीडनम देखोगे, तो वहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट सीट्स जो है वो जीरो जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो स्पेसिफिक कॉलेजेस में इंस्टीट्यूट सीट्स अवेलेबल होती है, कुछ में रहेगी कुछ में नहीं रहेगी। तो अगर आपको कम परसेंटाइल है एंड आप एक अच्छा कॉलेज चाहते हो एंड पैसे वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर गाइज आप इंस्टीट्यूट सीट्स के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना, उसके लिए गाइज सभी के जो है वो प्रोसेस डिफरेंट होती है। जो भी कॉलेज में आप इंटरेस्टेड हो वहाँ पे आप फ़ोन कॉल करके उन्हें पूछ सकते हो, वो आपको जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो दे देंगे। या फिर अगर आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए होगा जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर रहेंगे, तो अगर चाहिए होगा तो बता देना, मैं डिटेल जितनी भी प्रोसेस होती है मैनेजमेंट सीट्स को फिल करने की वो सारी जो है वो एक्सप्लेन आपको जो है वो कर दूंगा। ठीक है, बाकी ये वाला जो डॉक्यूमेंट है वो आपको मेरे ऐप पे मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे गाइज नॉलेज सीकर सर्च करना, वो डाउनलोड करके वहाँ पे फ्री मटेरियल में ये PDF आपको मिल जाएगा, जिसमें सभी कॉलेजेस है एंड सभी कॉलेज के बारे में डिटेल में बताया कि यहाँ पे मैनेजमेंट सीट्स है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये आप डाउनलोड कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये हो गई गाइज हमारी मैनेजमेंट सीट्स एंड अभी आपको पता भी चल जाएगा कि कहाँ पे कितनी सीट्स अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं गाइज प्रोविजनल एडमिशन के ऊपर। तो ये जो प्रोविजनल एडमिशन वाली प्रोसेस है गाइज ये काफ़ी ख़तरनाक होती है एंड इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो लॉस भी है वो भी होता है। आगे जाके पता चलता है कि यार एडमिशन तो लेना ही नहीं चाहिए था। अब बात करेंगे इसके ऊपर, तो थोड़ा ध्यान से जो है वो सुनना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब प्रोविजनल एडमिशन में पहले तो गाइज आप देखो कि आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि यार अभी तक जो रिजल्ट है वो ही नहीं लगा है, तो ये एडमिशन की प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो देखो जो हमारा रिजल्ट है वो लगता है, उसके बाद ही जो एक्चुअल ऑफिशियल जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है, जिसे हम CET के एडमिशन प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें कुल मिला के 3 कैप राउंड जो है वो होते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको कैप राउंड के थ्रू एडमिशन मिलता है गाइज, तो तभी जाके आप जो है वो स्कॉलरशिप वगैरह के लिए जो है वो एलिजिबल रहते हो, तो इसका जो है वो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अब ये प्रोविजनल एडमिशन होता है क्या है, जनरली ये जो एडमिशन प्रोसेस है वो ऐसे कॉलेजेस में कैरी आउट होती है जहाँ पे एक तो सीट्स जो है वो फुलली जो है वो फिल नहीं हो पाती है ड्यू टू उनके प्लेसमेंट या फिर बाकी सारी फैसिलिटीज़ एंड बाकी सारी चीज़ों के वजह से, या फिर उनका जो कट ऑफ है वो काफ़ी लो जाता है। ठीक है, तो ये कॉलेज क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि रिजल्ट लगने से पहले ही अपनी कुछ जो सीट्स है वो फिल हो जाए। तो ये क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं, उन्हें जो है वो फ़ोन कॉल करते हैं, बताते हैं कि हमारे कॉलेज में ये फैसिलिटी है, वो है, ऐसा है, वैसा है, प्लेसमेंट अच्छे है, एंड उन्हें बोलते हैं कि आप हमारे कॉलेज में अपनी जो सीट है वो रिजर्व कर सकते हो। ठीक है, एडमिशन नहीं, रिजर्व कर सकते हो। अब रिजर्व मतलब कि ये कॉलेज आपको बोलेगा कि आप देखो अभी जब रिजल्ट लगेगा तो सब एडमिशन लेना शुरू कर देंगे, तो हमारे कॉलेज की सीट जो है वो जल्दी से फिल हो जाती है, तो फिर आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो अभी आप क्या कर सकते हो कि आप हमारे कॉलेज में अपनी एक जो सीट है वो रिजर्व कर सकते हो, एंड इस सीट को रिजर्व करने के लिए आपको एक टोकन अमाउंट जो है वो जो कि रिफंडेबल रहेगा, ऐसे बोलते हैं, टोकन अमाउंट जो है वो आपको 5,000 या फिर 10,000 रुपये जो है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे आपकी जो सीट है वो रिजर्व हो जाएगी एंड जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, आपका रिजल्ट लग जाएगा, तो कैप राउंड में आप हमारे ही कॉलेज का जो नाम है, ठीक है, कैप राउंड में बस आप हमारे कॉलेज का जो नाम है वो डालना एंड आपको जो है वो एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बोलते हैं, ये इन्फॉर्मेशन हमें क्या देते हैं कि देखो आपको जो मतलब सीट है वो रिजर्व हो जाएगी एंड फिर कैप राउंड में आप ट्राई करना, अगर कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो आप हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लेना। बट जब कैप राउंड की प्रोसेस स्टार्ट होती है, ये क्या करते हैं कि बस अपने ही कॉलेज का जो नाम है वो डालते हैं नंबर 1 प्रेफरेंस पे, एंड नंबर 1 पे प्रेफरेंस का अगर कॉलेज हमें लग गया तो उसी कॉलेज में फिर हमें जो है
वो एडमिशन लेना पड़ता है। तो सपोज़ अगर आपको गलती से अच्छे परसेंटेज मिले एंड जो लो कट ऑफ वाला कॉलेज है वहाँ पे आपने ये सब प्रोविजनल एडमिशन वाला सब कुछ किया एंड उन्हें अपना आईडी पासवर्ड दे दिया, तो ये वाला स्कैम आपके साथ जो है वो हो सकता है। तो ऐसे प्रोविजनल एडमिशन में सीट रिजर्व करके फिर बोला जाता है कि हमारे कॉलेज का नाम डालो एंड फिर आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद है जिनको बहुत ही कम परसेंटेज या फिर मार्क्स जो है वो मिले, जिनको एडमिशन मिलना ही मुश्किल है उनको अगर मिलता है तो ठीक है, बट ऐसे लोग जिनको बहुत अच्छे परसेंटाइल है, जिनको अच्छा कॉलेज मिल सकता है, बट इन चीज़ों की वजह से अगर वो फंस जाते हैं तो फिर गाइज आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकता है। एंड देखो सीईटी के जो है वो तीन कैपराउंड होते हैं। अब इन तीन कैपराउंड में हमें अपना जो कॉलेज का लिस्ट है वो बनाना पड़ता है। वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, बट इसमें जो फर्स्ट नंबर पे हम कॉलेज डालते हैं अगर वो फर्स्ट नंबर का कॉलेज हमें लग जाता है तो फिर एक तो वहाँ पे हमें एडमिशन लेना पड़ता है, अगर नहीं लोगे तो आप कैपराउंड टू एंड कैपराउंड थ्री वैसे भी आप जो है वो उसके मतलब लिए एलिजिबल जो है वो नहीं रहोगे अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज लगता है तो ये जो स्कैम है वो हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान से फॉर्म वगैरह जो है वो भरना, वैसे मैं आपको टाइम पे गाइड तो जो है वो करूँगा, बट बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो फंस जाते हैं बिकॉज़ इन कॉलेजेस का जो मार्केटिंग टीम वगैरह है वो बहुत सही रहता है, पूरा बता देते हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं स्टूडेंट का कि बहुत अच्छा कॉलेज है, ले लो ले लो ले लो, एंड ऐसे करते करते स्टूडेंट को लगता है यार 5,000 तो भरना है, अगर लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो फिर ये वाला कॉलेज तो अपने पास रहेगा। तो ये सोच के जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें से जो है वो बच के रहना। आपको हो सकता है कि अभी भी कॉलेजेस के थ्रू जो है वो कॉल आ रहे होंगे, तो अगर आपको कॉल आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप क्या करो जो भी कॉल्स आपको आ रहे हैं उनके थ्रू उनके कॉलेज की जितनी भी इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं राइट फ्रॉम फी स्ट्रक्चर से लेके, हो सकता है प्लेसमेंट में वो झोल करे कुछ भी बताए 100% प्लेसमेंट है, ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है कि 100% प्लेसमेंट आपको मिलेगा। इसके अलावा बाकी हॉस्टल फीस जो भी है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो निकाल के आप जो है वो अपने पास रख सकते हो। बाकी प्रोविजनल एडमिशन अभी तो बिल्कुल भी जो है वो मत करना, जब रिजल्ट लग जाएगा उसके बाद इसके बारे में आप जो है वो सोच सकते हो। अगर आपको बिल्कुल ही कम परसेंटाइल है एंड आपको एक डिसेंट सा एवरेज सा कॉलेज मिल रहा है तो फिर आप उसके लिए जो है वो जा सकते हो, ठीक है। बाकी अभी से इसके ऊपर ध्यान मत देना नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज कुछ कुछ कॉलेजेस जो है वो बहुत बेकार होते हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो ले लेता है एंड फिर आप दूसरे कॉलेजेस के लिए जो है वो भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो मैं तो यही बोलूँगा कि सबसे बेस्ट होती है प्रोसेस एडमिशन की वो है पहले रिजल्ट लगने दो। रिजल्ट लगने के बाद सीईटी की जो ऑफिशियल एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होती है उसमें आप ऑल कॉलेजेस जो है वो डाल सकते हो एंड जो कॉलेजेस में आपको लगता है वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर परसेंटाइल। ये फालतू की अलग प्रोसेस में जो है वो मत जाना बिकॉज इसमें जो है वो स्टूडेंट फंस सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, वैसे मैं आपको जो है वो बता दूंगा एंड जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी तब भी मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगा, हर साल बताता हूँ, आप मेरे लास्ट ईयर के भी वीडियोस देख सकते हो, आप घर बैठे अपना जो एडमिशन है वो कर पाओगे इसकी भी गारंटी मैं आपको देता हूँ। इसके अलावा अगर हम रिजल्ट्स की बात करें गाइस तो देखो अभी भी अगर हम सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट चेकआउट करते हैं तो यहाँ पर अभी भी कोई भी अपडेट नहीं है एक्सपेक्टेड। अभी ये भी था कि 30 तारीख तक अपडेट आ जाएगा, आज की तो 28 तारीख है, फिर कल अगर अपडेट भी आता है तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि फ़िलहाल आएगा, अभी कुछ लग ही नहीं रहा है कि अपडेट आएगा वगैरह। एंड जो हमारा आंसर किया है उसका भी ऑब्जेक्शन का रिजल्ट वो भी जो है वो अभी तक नहीं आया, पता नहीं सीईटी सेल का क्या इरादा है इस साल की रिजल्ट देना भी है या फिर नहीं, एक महीने से भी ज़्यादा अब हो चुका है, बट हो सकता है कि ये इसलिए भी हो रहा हो क्योंकि हमारी जो यूजी एग्जामिनेशन होती है उनके भी अभी फाइनल एग्जामिनेशन जो है वो होने बाकी है। अब देखो बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती है रिजल्ट्स में भी, अगर रिजल्ट नहीं लग रहा है तो इससे आपका कोई लॉस तो नहीं हो रहा, बिकॉज अगर आपकी यूजी की एडमिशन मतलब जो पूरी फाइनल ईयर ख़त्म हो गया होता है आपको एडमिशन लेने की जल्दी है, अदर कॉलेजेस में एडमिशन प्रोसेस शुरू है ना, इधर महाराष्ट्र में ही बंद है तो प्रॉब्लम होता है। अभी तो ऑलमोस्ट सभी एग्जामिनेशंस हो रही है तो हो सकता है कि कुछ दिनों में अपडेट आए, जब आएगा वैसे मैं आपको अपडेट कर दूंगा, बट एडमिशन प्रोसेस मेनली जो है वो जून के आसपास जो है वो स्टार्ट होगी। तो फिलहाल टेंशन मत लो कि लेट आ रहा है, इससे ज़्यादा कुछ आपका मतलब लॉस वगैरह जो है वो नहीं होगा, तब तक हमारी सीमैट के रिजल्ट्स भी जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे, तो जितना लेट होगा उतना ही आपके लिए जो है वो बेटर होगा एंड आप मैक्सिमम कॉलेजेस में जो है वो अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, ये पीडीएफ भी आपको मेरे ऐप पे मिल जाएगा, कुछ क्वेश्चन होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, ज़रूर मैं आपको टाइम टू टाइम जो है वो अपडेट भी करते रहूँगा, बस आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना ताकि आपका कोई भी जो अपडेट है वो मिस ना हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।